ए भैया कहां कलयुग जमाना मा बड़ा कर पो भारी बा, यही से तो यही हैदर अली कह बात न्यारी बा। कहां कि कलयुग जमाना मा जवान लड़का महतारी पिता का प्यार नहीं पावत, हाँ पढ़ाई लिखाई नहीं कह पावत, हाँ जिंदगी बेकार हो जाती बा। जवान लड़का पढ़ाई लिखाई कह ले, यहाँ नौकरी चाकरी करता, हमारी सब खान घूमत नहीं ना। लेकिन मास्टर साहब कहना बा, अरे की बचपन मिला ना सहूर, की बचपन मिला ना सहूर बाप माई के बिना, अरे की बचपन मिला ना सहूर बाप माई के बिना, और केहू जिन जाया ससुरैया पढ़ाई के बिना। पढ़ाई के बिना तो जिंदा या ससुरिया पढ़ाई के बिना। कहनामा कि शिक्षा से बुद्धि के विकास होला भैया, बन के साक्षर खेवा ई देशवा के नैया, अरे कुछ ना मिली है जगत में सच्चाई के बिना, कि कुछ ना मिली है जगत में अरे सच्चाई के बिना, तो जिन जाया ससुरिया पढ़ाई के बिना। चरण जादूगर है, मैं सोना गढ़ के रहने वाला हूं। यहां पर हुकूमत मेरी चलती है। जिसको चाहता हूं, जिसको चाहता हूं अपनी जादू की शक्ति से अपने पास में कर लेता हूं। मेरा नाम काली चरण जादूगर है। तो ना मालूम होना चाहिए कि मैं कौन हूं। मेरा नाम क्या है? क्या मालूम है? हराम जादी। मैं अपनी जादू की शक्ति से, अपने जादू की शक्ति से मैं तुझे पकड़िया बना दूंगा। तुम्हें मालूम होना चाहिए मेरा नाम काली चरण जादूगर है। और सुनो साथियों,
मेरे परिवार में सिर्फ दो इंसान है, दो इंसान है, एक मैं हूँ और मेरी इकलौती पुत्री जिसका नाम चित्रकला है। आप तुम्हें काम कर रहा है, जाओ मेरी बेटी चित्रकला को बुला करके लाओ और साथियों, और मैं उसकी परीक्षा लूंगा मेरी इकलौती पुत्री कितनी जादूगर में माहिर है। जाओ जाओ। पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। पिता चरण में आपके झुका हमारा, चरण में आपके झुका हमारा, पिता चरण में आपके झुका हमारा, दीजिए हया शीश पिताजी। चित्रकला बेटी मेरी और तू है मेरी जान, और काली माँ की कृपा हो तुझ पर और भला करे। माँ की कृपा हो तुझ पर कहना चाहती हूँ, मेरा आशीर्वाद। सुनिए पिताजी, कहो मेरी लाडली, कहो। मैं आपसे कुछ कहना क्या कहना चाहती हो, शौक से कहो। सुनिए कि बुलाया, हाँ कहो, बुलाया मुझे किस लिए आज पापा, बुलाया मुझे किस लिए आज पापा, बुलाया मुझे किस लिए आज पापा, बता रहा हूँ, बुलाया
क्या खता जल्द बतलावो पापा। बतला रहा हूँ बेटी, पिताजी। और सुनो ध्यान से बात, बेटी हमारी सुनो ध्यान से इजाजत कि मिले कर इजाजत पिताजी तुम्हारी, इजाजत मिले कर इजाजत तुम्हारी।
बाबा बेटी पिताजी, मुझे यकीन हो गया और इस सोनागढ़ में तुम्हारे जादू का कोई चोर नहीं दे सकता है। और बाप तुम्हें एक इनाम देना चाहता हूँ। पिताजी आपके आशीर्वाद से मैं जादू की सारी कला सीख चुकी हूँ और आप मुझे इनाम क्या देना चाहते हैं? मैं इनाम नहीं देना चाहता हूँ बेटी, कि तुम सोनागढ़ के देखभाल तुम्हें करना है और तुम्हें आज एक तिलस्मी तलवार देना चाहता हूँ। ये तुम्हारी तलवार जब तुम्हारे हाथ में रहेगी कोई भी दुश्मन तुमसे लड़ाई में कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। कहने का मतलब पिताजी कि जब तक मेरे हाथ में ये तिलस्मी तलवार रहेगी हाँ बेटी, तब तक मेरा कोई दुश्मन मुझसे युद्ध स्थल में विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। हाँ बेटी, और मैं एक तुम्हें अंगूठी देना चाहता हूँ। अंगूठी जब तक तुम्हारे हाथों में अंगुलियों में रहेगी और उसे निकाल करके जब आपने कान में लगाएगी तुम्हें भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल बताएगी बेटी। ये सोने की अंगूठी है पिताजी, इसी में मेरी जादू है। जब आपके कहने का मतलब कि ये जादुई अंगूठी जब मैं अपने कान में लगाऊंगी हाँ बेटी, तो ये मेरा भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बताएगी। सब कुछ बताएगी बेटी चित्रकला। और मैं सोनागढ़ का पूरी रियासत में सौंप करके जा रहा हूँ। पिताजी अगर आपने ये सोनागढ़ की रियासत और ये सोनागढ़ का सम्मान मुझे सौंपा है तो मैं आपको वचन देती हूँ कि आपके इस सम्मान पर कोई धब्बा मैं नहीं लगने दूंगी। मैं तुम्हारी बातों से बहुत प्रसन्न हूँ चित्रकला, और मैं जा रहा हूँ यहाँ से। यहाँ की देखभाल तुम करना बेटी, ठीक है ना? पिताजी मैं आपसे और कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? पिताजी मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस समय मैं सोनागढ़ के बगीचे में सैर करना चाहती हूँ। जाओ जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। जाओ मेरी इकलौती पुत्री, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अच्छा पिताजी। हाँ साहब आगे मनवर। हाँ साहब आगे प्रमादरी हमारे फौजी लालता प्रसाद पांडे साहब। फौजी लालता प्रसाद पांडे साहब काम को देखते हुए सीन पर खुश होकर के ये व्यवहार पुरस्कार 50 रुपए कंपनी के लिए करते हैं और हमारे पार्टी तरह से भैया। और तुम्हें काम करना है। क्या करना है? तुम्हें काम करना है। मेरी इकलौती पुत्री जिसका नाम चित्रकला है बगीचे में घूमने के लिए गई है, ठीक है ना? तुम उससे साथ जाओ और मैं चर्रा आराम करूंगा, ठीक है ना? कोई भी बात होती है तो मुझे फौरन ही बताना, ठीक है ना? मैं जा रहा हूँ। जय महाकाली। महामंत्री दुर्जन सिंह जी महाराज, मैं आखेट करने तो निकल गया परंतु ये बताओ कौन सी दिशा में मुझे आखेट करने चलना है? महाराज आज हम आपके साथ साथ दक्षिण तरफ शिकार खेलने चलेंगे। क्या कहा? दक्षिण दिशा में? जी महाराज। दक्षिण दिशा में वो कौन सा घनेरा जंगल है जिसमें हमें शिकार मिल जाएंगे? महाराज दक्षिण दिशा में एक बहुत घना जंगल है जिसका नाम है कंटक वन। क्या कहा? महाराज कंटक वन में शेर चीते भालू
कहने का मतलब तरह तरह के जानवर वहां आपको दिखाई दे रहे। तो मुझे शीघ्र ही कंटक वन की तरफ चलना चाहिए। चलिए महाराज, और चलते हैं। हेलो हेलो हेलो, कहना बा मास्टर जी की उनरी मुनरी चुनरी रगरी सगरी मन घूम रचावत है। उलरी मुनरी कजरी उजरी मनरी मन खूब रचावत है। लुगरी चल भय बुजरी नगरी हम घर माधूम मचा। द्वारपाल इधर आओ, ये बताओ तुम्हारी बंदूक क्या हो गई? जंगल में फेंक दिया? ये पागल कहीं गए? महामंत्री, मैं काफी दूर निकला लेकिन अभी तक कोई शिकार नजर नहीं आया। महाराज वो देखो, वो शेर की आवाज दे रही है। क्या बोला रे? हराम जादे वो नेवला है, कहता है नेवला।
चल पीछे। महाराज जी कह देते हैं मतलब हम सही सही कहते हैं नहुरा, हम तो रोबर चल लेते हैं, हमको खाए नहीं है। अब महाराज ठीक है, इसका हथियार जो है बंदूक फेंक दिया जंगल में, ठीक है मैं आगे चलता हूँ, उसके बाद तुम आओ, सबसे पीछे तुम रहना। मैं इस कंटक बन कि मैं वन देवी हूँ, और आज मेरी दिली इच्छा यही है कि मैं आज अपने कंटक वन में मैं आज सैर करने चल रही हूँ। और क्या मौसम ये आया है, और क्या मौसम आया है, ओ पूरब से मस्तानी पुरवाई चली, खुशबू से महकी है गलियों की गली, गीत गाए नदियाँ लहरों में है सरगम, है घटा दीवानी बूंदों में है चमचम। अब मैं चल रही हूँ अपने इस कंटक वन में मैं भ्रमण करूँगी, और पक्षी हैं न जाने क्यों मुझसे दूर भागे जा रहे हैं। अब मैं यही सोच रही हूँ कि चलकर मैं एक हिरण का रूप करूंगी, उसके साथ इन पशु पक्षियों के साथ मैं भ्रमण करूंगी। और क्या मौसम आया है, क्या मौसम हो आया है, ओ मस्तानी फूलों से महकी है कलियों की गली, ओ गीत गाए